बात करेंगे अपने इस डेटा में कि जो जो एरिया ब्लैंक है उस पर मल्टीप्लाई करने की, जो जो एरिया हमारा ब्लैंक है उस पर हम मल्टीप्लाई कैसे करें। तो यहां पे हमने क्या किया कि ऐसे अगर वन बाय वन मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इसको थोड़ा सा ये ब्लैंक का थोड़ा रिपीट करेंगे क्योंकि मैं उसी चीज को रिपीट कर रहा हूँ, ये भी वहां पे सेम चीज है। तो ये ब्लैंक जितने भी ब्लैंक रोज हैं सारे ब्लैंक रोज पे हमें एक फॉर्मूला डालना है। तो कैसे डालें, तो हमने क्या किया कि सबसे पहले डेटा को सिलेक्ट कर लिया। डेटा सिलेक्ट कर लिया, डेटा सिलेक्ट करने के बाद हम वापस चले गए यहां पे फाइनल सिलेक्ट के गो टू स्पेशल और यहां पे ब्लैंक सेल, सेम उसी तरह जैसे हमने यहां पे टोटल डाला है, देन ओके। तो जितने ब्लैंक्स हैं वो आपके सिलेक्ट हो गए, सिलेक्शन जरूर कीजिएगा वरना ये बाकी ब्लैंक जो है ये सब ब्लैंक भी सिलेक्ट हो जाएगा। तो पहले आप अपना एरिया सिलेक्ट जरूर कर लीजिएगा। फिर इसमें हमने फॉर्मूला डाला कि ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करना है नीचे वाले से, ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करना है हमें नीचे वाले से, देन जस्ट प्रेस कंट्रोल एंटर, नॉर्मल एंटर नहीं करना है, कंट्रोल एंटर। कंट्रोल एंटर करेंगे तो ये बाकी पे कॉपी पेस्ट होगा, वो कंट्रोल एंटर प्रेस किया सब पे कॉपी पेस्ट हो गया। और साथ साथ हम बोल्ड भी कर देते हैं, बट मैं यहाँ पे बोल्ड नहीं करना चाहता क्योंकि मैंने टोटल को बोल्ड नहीं किया था, छूट गया था। तो हम बोल्ड करेंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग से,